देश के समस्त याची भाई और बहनों को जय हिंद। मित्रों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2015 में 3528 नॉट ज्वाइनिंग अनफिल्ड वैकेंट सीट को लेके माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में 20 अक्टूबर को एक महत्वपूर्ण सुनवाई होना तय है। मित्रों, 3528 हमारे याची भाई और बहनों के भविष्य का फैसला होना है, उनके वर्दी का फैसला होना है। 20 अक्टूबर का जो हमारा आपका लक्ष्य है, चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में 90% रीटे एसएलपी एक्सेप्ट नहीं होते हैं, नोटिस नहीं होते हैं। 10% ही रीट एसएलपी एक्सेप्ट होते हैं, नोटिस होते हैं। इसलिए हमारा आपका जो लक्ष्य है माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में, वो चुनौतीपूर्ण है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन इतिहास गवाह है, कितनों चुनौतीपूर्ण लक्ष्य हो, लेकिन आपका एक बेहतर संघर्ष है तो हर चुनौतीपूर्ण लक्ष्य हासिल हुआ है। मित्रों, छुट्टियों के दिन भी लगातार माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में संघर्षशील टीम के सदस्य लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हमें आपको जब एवार सेलेक्ट करना था तो बहुत सोच समझ के सेलेक्ट किया गया था। तमाम अपने सीनियर लीडरों के संपर्क में पूरी बात को रख के उनके विचार विमर्श करने के बाद एवार सेलेक्ट किया गया था, क्योंकि जो हमने एवार सेलेक्ट किया है उनके द्वारा पुलिस मैटर में टीचरों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गया है। उसी प्रकार मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, संघर्षशील टीम हमेशा इस भर्ती में सक्रिय भूमिका निभाएगा और आपको वर्दी दिलाने में सक्रिय भूमिका निभाएगा और लगातार निभाते हुए आ रहा है। कोई बात, कोई तथ्य आपसे छुपाया नहीं जाएगा। और यहीं तक नहीं, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में हर डेट में बहस होता था तो नहीं होता था तो अच्छा होता तो बुरा होता था तो सारी बातें आपको जानकारी दिया जाता था, क्योंकि आप इस भर्ती के मेन हीरो हैं। आप ही के वजह से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली तक संघर्ष करने का हमें मौका मिला है। यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और आपका मैं जीवन भर ऋणी रहूंगा। मित्रों, आपके ही वजह से प्रदेश के समस्त याची भाई बहन वर्दी पाएंगे, 3528 अभ्यर्थियों का भविष्य उज्जवल होगा। तो मित्रों, 3528 अभ्यर्थियों के भविष्य को बचाने के लिए संघर्षशील टीम दृढ़ प्रतिज्ञा से कार्य कर रहा है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे सबसे बेस्ट सीनियर हायर किया जाएगा। आप लोग जरा सा भी सस्पेंस में ना रहिए, लेकिन कोई कार्य हम अनभिज्ञों के तरह नहीं करेंगे। जो भी कार्य करेंगे एक बेहतर परिणाम के लिए करेंगे। समय जरूर लगता है, लेकिन जो परिणाम आएगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में, उस परिणाम में संघर्षशील टीम 2015 भर्ती के तरफ से एक सक्रिय भूमिका निभाएगा, ये हम आपसे वादा करते हैं। मित्रों, रही बात जो हमें सेलेक्ट करना है, जिस प्रकार हमने एवार का सेलेक्ट किया है, आप पता कर लीजिएगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में पुलिस मैटर से लेकर टीचरों तक एक सक्रिय भूमिका रहा है दानिश जुबेर जी का। उसी प्रकार जो हमें बेंच मिला है, उस बेंच के अनुसार हम लगातार कई और अधिवक्ताओं के संपर्क में हैं और जो 2013-11 और भी लीडर हैं उनके संपर्क में हैं। जो सबसे बेस्ट होगा उस बेंच के लिए, जो हमारे एवार हमको एडवाइस करेंगे, उस हिसाब से हम एक बेस्ट अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट का चयन करेंगे। किसी भी भाई को इस मैटर को लेके, सीनियर को लेके जरा सा भी सस्पेंस में रहने की जरूरत नहीं है। ये दुनिया है, कौन क्या कहता है इससे नहीं फर्क होना चाहिए। आप क्या करते हैं उस पे ध्यान देना चाहिए, हमसे कोई गलती ना हो उससे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे आपके भविष्य का फैसला होना है। हम आप किसी भी स्तर पे
1% भी लापरवाही नहीं करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और मैंने कभी भी नहीं किया है। आज जो ऑर्डर चैलेंज हो रहे हैं 416/2021, इसमें जो भी हमारे आपके लिए हमने किया है उसी बेस पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में जो कोई भी चैलेंज करेगा तो उसी ऑर्डर को चैलेंज करेगा। 2015 में 3528 ऑर्डर में शो कर रहा है सीट, इससे बेहतर जब तो ये चीजें नहीं होता तो क्या लेके माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में आप जाते। आज आपके पास एक ठोस सबूत है, आधार है, जो आप बेहतर तरीके से इस बात खाली सीटों को लेके आप पक्ष रख सकते हैं। जब तो ये सीटें ऑर्डर में नहीं होता तो आप क्या कहते हैं कोर्ट के सामने कि हमें मेडिकल में अब्सेंट या वेरिफिकेशन में बची हुई सीटों को दे दीजिए। कोर्ट क्या कहता, वेटिंग लिस्ट की बात कर रहे हो? मित्रों, आज आप जो भी पक्ष रखेंगे उस ऑर्डर के बेस पे रखेंगे और हमारे आपके लिए सबसे बेहतर कार्य हुआ है कि 3528 ऑर्डर में शो हो रहा है। मित्रों, सीटें हमें, अब मैं भगवान तो नहीं हूं, हम भी आप जैसे इंसान हूं, लेकिन मुझे पूर्ण आशा नहीं विश्वास है कि 3528 अभ्यर्थियों का भविष्य उज्जवल जरूर होगा, लेकिन इसके लिए हमें आपको जल्दबाजी नहीं करना है। हमारे आपके पास लगभग 1 सप्ताह का समय है, हमें तमाम चीजों को सोच समझ के करना है और जो अधिवक्ता का चयन करना है उसे भी बहुत सावधानी पूर्वक कार्य करना है जिससे हमसे कोई गलती ना हो, और क्योंकि भविष्य की बात है कहीं भी किसी भी स्तर पे लापरवाही ना हो। तो आगे हमें आप 16-17 तारीख का समय दीजिए, क्योंकि हम बहुत ज्यादा जल्दबाजी में नहीं है। जो कोर्ट में केस जीता जाता है वो सीनियर के बल पे जीता जाता है, आर्गुमेंट के बल पे जीता जाता है, ड्राफ्टिंग के बल पे जीता जाता है, जुमलेबाजी के बल पे नहीं जीता जाता है, भावनाओं के बल पे नहीं जीता जाता है, जज्बात के बल पे नहीं जीता जाता है। इसलिए जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है, मैं पूरी तरह से इस भर्ती में झोंक दूंगा और मेरी पूरी टीम लगातार कार्य में लगा हुआ है। इसलिए आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग अपने अपने घर पे आराम से रहिए, भगवान का नाम लीजिए, जिससे 20 तारीख को जो महत्वपूर्ण बहस होना है माता रानी की कृपा से जरूर हमें आपको सफलता मिले और 3528 प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों को भविष्य का जो वर्दी का रास्ता साफ हो। तो आप लोगों से ज्यादा, क्योंकि बरगलाने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन आपको मैं फिर भी एक बार लास्ट में विश्वास दिलाता हूं कि आपसे कोई तथ्य कोई बात छुपाया नहीं जाएगा, जो भी होगा पारदर्शिता के साथ होगा। और लगातार मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में कर भी रहा हूं, जो भी कार्य कर रहा हूं आपको बता के कर रहा हूं। तो 17 तारीख तक हमारे जो सीनियर हैं उनका चयन हो जाएगा, उनका नाम प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो 17 तारीख तक आप लोग धैर्य रखिए और तमाम प्रकार के लोग हैं क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं इन बातों को इग्नोर करिए। जय हिंद, जय भारत।